हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चॉइस फिलिंग गाइडेंस फॉर द राउंड नंबर टू। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर होगा क्या, आपके पास यहाँ पर हो आपका राउंड नंबर वन का रिजल्ट होगा, और राउंड नंबर वन का रिजल्ट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको राउंड नंबर टू की चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको राउंड नंबर टू की चॉइस फिलिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर एक राउंड नंबर वन की जो कॉलेज है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको राउंड नंबर वन की कॉलेज की ऊपर की सारी यहाँ पर चॉइस फिलिंग में ऐड कर देनी है। लेट्स से दैट मैं एक्सेल के ऊपर भी आपको समझा दूंगा, बट यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि यू हैव स्टार्टेड विद DAICT, देन नेमा यूनिवर्सिटी, देन DDU एंड देन LDCE, और उसके बाद यहाँ पर आपने फिफ्थ पे ऐड की थी VGEC। सिक्स पे यहाँ पर आपने ऐड कौन सी की थी, लेट्स से दैट कि यहाँ पर आप ले लीजिए GEC जी नगर। और एट दी एंड ऑफ रिजल्ट यहाँ पर आपके पास क्या आता है, यहाँ पर राउंड वन का रिजल्ट के अंदर आपके पास आता है कॉलेज नंबर 4 एंड दैट इज द LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यानी कि आपने राउंड नंबर वन के अंदर चॉइस फिलिंग किया था और इसके अंदर यहाँ पर आपको LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिला है। तो यहाँ पर मेरा सिंपली गाइडेंस इतना ही रहेगा कि दोस्तों आपको यहाँ पर LD में एडमिशन मिला है, सबसे पहले यहाँ पर आपका एडमिशन सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं राउंड नंबर टू के लिए जाना चाहूंगा, तो राउंड नंबर टू के अंदर मैं यहाँ पर क्या चॉइस फिलिंग करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो जितना भी है ना, इसको मैं यहाँ पर पहले बाजू के अंदर रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं चॉइस फिलिंग के अंदर कुछ इस तरह का चॉइस फिलिंग करूंगा। सिंपली ये मेरा हो गया राउंड नंबर टू का चॉइस फिलिंग। सबसे ऊपर मैं यहाँ पर DAICT रखूंगा, सेकंड पे मैं निर्भय यूनिवर्सिटी का रखूंगा, और थर्ड पे रखूंगा मैं DDU को। अब यहाँ पर हम राउंड नंबर टू के टेस्ट केसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि राउंड नंबर टू के टेस्ट केसेस में क्या होता है। लेट्स से दैट कि यहाँ पर राउंड नंबर टू के अंदर यहाँ पर आपको मिला है निर्भय यूनिवर्सिटी के EC ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको जो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिला था उसका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरह से यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का रिमूव कर दिया, तो इसी तरह से यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपसे हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। और निर्मा यूनिवर्सिटी में आपका यहाँ पर एडमिशन ट्रांसफर हो जाएगा, टोकन फीस ट्रांसफर हो जाएगी, और बाकी की ऊपर की टोकन फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत सा सिंपल सा फंडा है, ये आपके लिए हो गया फर्स्ट रूल। अब लेट्स से दैट कि यहाँ पर आपको क्या हुआ है, यहाँ पर आपने राउंड नंबर टू के लिए अप्लाई किया है, बट यहाँ पर आपको राउंड नंबर टू के अंदर इन तीनों में से कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर आपका LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का राउंड वन का रिजल्ट था वो यहाँ पर सिक्योर रहेगा। बट कब, जब आपने यहाँ पर राउंड नंबर वन के अंदर ट्यूशन टोकन फीस पे कर दी है तभी यहाँ पर आपका एडमिशन सिक्योर होगा, अदरवाइज योर एडमिशन वोंट बी सिक्योर, ठीक है। तो ये दो तरह के मैंने टेस्ट केसेस आपको डिस्कस कर दिए, मैंने यहाँ पर आपको ये भी दिखा दिया कि किस तरह से राउंड नंबर टू के अंदर चॉइस फिलिंग की जा सकती है। सिंपली यहाँ पर मैं कहना यही चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, राउंड नंबर टू के अंदर ऐसी सारी की सारी कॉलेज निकाल देनी है कि जिसके अंदर आपको यहाँ पर जाने की इच्छा बिल्कुल ना हो। यानी कि अगर आप यहाँ पर LD तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिला है, बट यहाँ पर अगर जब आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो और आपने यहाँ पर क्या किया, DDU के नीचे यहाँ पर आपने रख दी है VGEC, अगर आपने यहाँ पर इस तरह से चॉइस फिलिंग किया और लेट्स से देखिए यहाँ पर DDU के तो अंदर एडमिशन नहीं मिला, ऊपर के तीनों में भी आपको एडमिशन मिलने के बेस्ड ऑन भी मेरिट आपको चांस नहीं था, और आप एक लेवल कॉलेज नीचे चले गए और आपने यहाँ पर ले लिया VGEC। तो अगर यहाँ पर VGEC में एडमिशन अलॉट होगा तो फिर LD का एडमिशन रिवोक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए राउंड टू में वो सारी कॉलेज हटा दीजिए कि जिसके अंदर आपको डेफिनेटली जाना नहीं है, ठीक है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।